नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एस के सागर। अक्सर हम अपने चैनल पर आपको नई नई शख्सियतों से जो रूबरू कराते रहते हैं, उसका मकसद है जो दबा कुचला सोया हुआ समाज है उसको जागरूक करने का हमारा उद्देश्य रहता है। आज हम एक आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं, देशराज सिंह नाम है उनका, और उन्होंने अभी जो निगम के चुनाव हुए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या रहा माहौल, बसपा के कैंडिडेट रहे थे और बहुत पहले से बसपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं ये क्षेत्र में, और क्षेत्र में उन्होंने जो समाज को जोड़ने का जिस तरीके से काम किया ये अद्भुत है। इस विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो ग्राफ डाउनिंग पोजीशन में जा रहा है, इसमें कमी कहां पर है, किसकी कमी है, शीर्ष नेताओं की कमी है या निचले स्तर पर जो हमारा समाज है उसकी कमी आ गई। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो अभी इलेक्शन फाइट किया है निगम का, तो इसमें क्या रिजल्ट रहा और आपके साथ जो माहौल था वो ऊपर से कैसा रहा, तालमेल कैसा रहा बसपा के जो शीर्ष नेताओं का? देखिए, शीर्ष नेताओं का जो हमारे यहाँ नेतृत्व है वो पार्टी के लिए बहुत अच्छी उनकी सोच है, लेकिन कुछ हालात इस टाइप के दिल्ली में पैदा हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हो जाते हैं। जिन पर वो भरोसा करते हैं वो उनके भरोसे पर कायम नहीं होते और भरोसा करना पड़ता है। अभी जो मैंने चुनाव लड़ा था उसमें मेरा मेन मकसद ये था कि भी भदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में प्रत्याशी नहीं मिले थे ढूंढे से। मैं पूर्व में जिलाध्यक्ष था, किसी कारण से मुझे रिपीट नहीं किया प्रदेश के नेतृत्व ने। तो मेरी भावना ये रही कि पार्टी सर्वे सर्वा है, पदाधिकारी सर्वे सर्वा नहीं है। पार्टी रहेगी तो हम भी रहेंगे और हमारा नेतृत्व भी रहेगा। तो निगम के वार्ड में 183 नंबर सीट खाली जा रही थी, तो मुझे लोग बाद में यही कहते कि भी आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता अनेक पदों पर रह चुके हैं, आखिर ये वार्ड क्यों खाली रह गया, आप अपनी वोट अब किसको देंगे? तो मेरा मकसद असली ये था कि मेरी वोट अपनी पार्टी को जाए, क्योंकि मैंने लगभग 98 से कंटिन्यू पार्टी में वर्किंग रहा हूँ। मैं बामसेफ का प्रेसिडेंट रहा, भदर विधानसभा अध्यक्ष, फिर बाहरी जिले महासचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, जिलाध्यक्ष तक मैं रहा। तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता बाद में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना वोट अपनी पार्टी को दिया जाए और उसकी काउंटिंग भी चुनाव आयोग में रिजल्ट के बाद होगी। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, और कुछ मुझे अनुभव करना था कि जब मौका मिल रहा है कि अभी चुनाव का अनुभव भी करना चाहिए, चुनाव तो बहुत लड़ाए अब लड़के भी देखना चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। तो मैंने उस अनुभव को भी क्षेत्र में जाके नहीं है, डोर टू डोर जो कैंपेनिंग की, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि भाई हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद जो आउटपुट आता है उस पर हमें चिंतन मनन भी करना चाहिए। जो पदाधिकारी हैं उनकी भी कमी रही जी। और जो हमारा जो बुद्धिजीवी समाज है ना, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जो पढ़े लिखे है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या सरकारी कर्मचारी जो भी है, उन्होंने महापुरुषों के नाम पर संगठन तो बना रखे हैं। सौरभ विहार में अम्बेडकर भवन है, अर्पण विहार में पश्चिम विहार है, आपके मीठापुर में बाबा साहब के स्टैचू लगी है, वहां भी एक कमेटी बनी है, मोड़बंद में भी बनी है, ताजपुर पहाड़ी में बनी है, मोहनबाब नगर में भी बनी है, और आपके बिलासपुर कैंप में भी बाबा साहब के नाम पर अनेकों संगठन बने हुए हैं। तो मैंने ये देखा है कि बाबा साहब की जयंती भी मनाते हैं बंद हॉल के अंदर में, तथागत बुद्ध की जयंती भी मनाते हैं, बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं, साहब का जन्मदिन मनाते हैं और परिणाम दिवस भी मनाते हैं, लेकिन वो जो मनाना है उस कमरे तक सीमित रह जाता है। जिस दिन चुनाव का समय आता है या चुनाव से 10-15 दिन पहले जो माहौल होता है उसमें वो सक्रिय नहीं होते हैं। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, आप क्या समझ रहे हैं कि बेनिफिट होता है या नहीं होता? मेरा अपना जो मानना वो ये है कि ये तो पैसा वेस्ट करने वाली बात है। समाज से पैसा आप कलेक्ट करो, मंच लगाओ, बाबा साहब के नाम पर भाषण दो, बहन जी के नाम पर दो और पूरी सब्जी खा के अपने घर चले जाओ, क्योंकि उसका असली मकसद तो वो होना चाहिए कि आप उस मंच से आह्वान करें कि भाई आप पार्टी में पद लें, पार्टी पद लेके नहीं आप डोर टू डोर जाएं, लोगों को तैयार करें, जैसे आप तैयार हुए हैं ऐसे लोगों को तैयार करें जिम्मेदारी के साथ, तब तो पार्टी का ग्राफ बढ़ता है। शासन सत्ता में आपकी गिनती होती है, इलेक्शन कमीशन में आपकी गिनती होती है कि आपको इस वार्ड पे इतना वोट पड़ा। जैसे कि अभी मीठापुर में एक कमेटी है बाबा साहब के नाम पे, वहाँ स्टैचू लगी है, उनको मैंने एक हफ्ते पहले अवगत करा दिया था कि भी आपका वार्ड खाली जा रहा है और आप बहुत मजबूत लोग हो यहाँ पे, और वाकई वो मजबूत लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तक मेरी बात को जो है स्वीकार किया और एक हफ्ते के बाद उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया।
जबकि वार्ड खाली जा रहा था और उन्होंने चुनाव भी लड़ाया, रिजल्ट कुछ भी रहा, लेकिन उनसे भी मेरी अपील यही है कि भाई उस काम को आप कंटिन्यू करें। बाबा साहब की जयंती आप मनाने जा रहे हैं, आप वहां पे सारी चीज की व्यवस्था करेंगे, हलवा पूड़ी की भी, स्टेज की भी, और नेताओं को बुला रहे हैं। नेता वो आ रहे हैं जो आपके किसी काम के नहीं है। आप बहुजन समाज पार्टी को इधर में बुलाइए, प्रदेश के लोगों को बुलाओ, आप जिले को बुलाओ या महासचिव बुलाओ, ये भी अच्छे नहीं लग रहे तो आगे जाइए, आप वहां से किसी को बुलाइए ताकि पार्टी की बात हो सके, वो आपकी बात को सुन सके और आप अपनी बात को सुना सके। इस चीज की बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। आपने एक जगह खुद इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हुए और दूसरी जगह आपने बंदे को तैयार किया कि आप इलेक्शन फाइट कर ले, लेकिन एक ताजपुर पार्टी जो बदरपुर है इसमें तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला और ये सीट बिल्कुल खाली गई। इससे क्या लगता है कि जो बसपा का वोट बैंक है वो दूसरी पार्टी की तरफ चला गया होगा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे भी कैंडिडेट को भरना चाहिए था या नहीं भरना चाहिए? ये इसकी कमी आप किसको मानते हैं, इसकी किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, इसकी जिम्मेदारी मैं तो उनको पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उनको मानूंगा सबसे पहले। तो क्यों? क्योंकि जब हम तालमेल नहीं कर पाते नीचे तो हम किसको लड़ाएंगे? हमने किसी घर को तलाशा ही नहीं, तो हम किस घर में जाएंगे? जिस दिन मैं वहां नॉमिनेशन का फाइल भरने जा रहा था तो बहुजन समाज पार्टी के वो मेरे पुराने टीम के साथी, पढ़े लिखे वकील भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ खड़े मिले मुझे नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। तो मैं भी वहां था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखो इनको मैंने तैयार किया था, ये वहां बुद्ध विहार में कमेटी चलाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, साहब कांशीराम जन्मदिन मनाते हैं और आज आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पे फॉर्म भरवाने आए। ठीक है, पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती थी। आप प्रदेश कार्यालय जाते कि जी हमारे पास ये कैंडिडेट है, जैसे मीठापुर वालों ने किया कि ये हमारे पास कैंडिडेट है, हम इसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ताकि पता लग जाता है कि आपकी बात को कितना मानेंगे। और आपके बीच में वो बार बार आते भी हैं, ये नहीं कि ताजपुर पहाड़ी बुद्ध विहार में हमारे प्रदेश के लोग नहीं आते हैं, बहुत बार आए यहाँ पे, बहुत बार यहाँ मीटिंग हुई है, बड़ी बड़ी जनसभाएं इस बुद्ध विहार में हुई है। जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सजग लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जिनको दूसरों को जगाना चाहिए, वही लोग आम आदमी के प्रत्याशी के साथ खड़े हुए वहां पे मिले आपको? हाँ जी, वो मुझे वहीं पे सारे खड़े मिले, उन्होंने वो फॉर्म भी भरा, मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ। अब मैं नाम क्या लूं उनको, वो हमारे क्रीम लेयर लोग थे जिन्होंने बसपा को यहाँ जन्म देने का काम भी किया। वो पार्टी के, मैं मानता हूँ कि मुझसे पहले ही फाउंडर मेंबर बदरपुर के रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी का वहाँ फॉर्म भरवा रहे थे। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये ताजपुर पहाड़ी बुद्ध विहार जो बसपा का गढ़ और आर्य वही बसपा का गढ़ और दूसरे घर को भरने का काम कर रहा है। मुझे तो बड़ा उस दिन हैरानी हुई कि भाई आप में से कोई भी चुनाव लड़ जाता, चाहे मैं नाम भी ले दूँ, निर्मल चंद बसेरिया हो, चाहे मुकेश रटौलिया हो, चाहे हमारे महावीर प्रधान जी हो, महावीर प्रधान जी तो बहुत सक्रिय आदमी है, तो किसी को भी खड़ा कर सकते थे। जरूरी नहीं कि किसी की जेब में लाख दो लाख होंगे वही चुनाव लड़ेगा, चुनाव तो वर्कर लड़ाता है, वोट वोटर देता है। आपकी तो क्षेत्र में पहचान है, आप लंबे समय से बुद्ध विहार चला रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, अगर वो बुरा मानेंगे तो आप इस पे क्या कहोगे? नहीं, इससे बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। निर्मल चंद्र बसेरिया जी मुझसे पहले विधानसभा अध्यक्ष बसपा के यहाँ में जो जिम्मेदार साथी हैं, एडवोकेट है यार, और पहले तो बिजनेस करते थे, आज ही बिजनेस कर रहे हैं वो। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि वो मुझे कुछ कहेंगे, मैं कहूंगा तभी तो उनकी प्रतिक्रियाएं आएंगी। क्या आज बहुजन समाज पार्टी का जो स्तर गिर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारा घर कमजोर हो रहा है, हम दूसरे घर में जाकर घुस जाए? भाई वो तो पराया घर है, वो तो कभी भी निकाल देगा आपको, ये तो आपका स्थायी घर है। आपको स्थायी घर को आप देखना चाहिए कि भी कहाँ दीवार में जो हमारे घर में कहाँ सीलिंग आ रही है, कहाँ कौन सा बोर्ड खराब है, कहाँ से लीकेज आ रही है, कहाँ हमारा फर्श टूट रहा है। ये तो आपका अपना घर है, आपको खुद संभालना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वहां बैठे हुए जिनको हमने चुनाव लड़ाया 2012-17 में, कुमार बिल्डर को बहुत अच्छी हमने मेहनत करी, वोट भी अच्छी मिली। आज क्या हुआ, पार्टी ग्राफ कम हो गया था, वो भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या यही समाज में आपकी अपनी जवाबदेही है? खाली अपने स्वार्थ के लिए आते हैं? इससे मैसेज क्या जाएगा समाज को? देखिए, इससे समाज को गलत मैसेज जाएगा। आप बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। आप साहब की जयंती मनाते हैं, साहब को भी धोखा देते हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूं उनसे, आप उनको धोखा दे रहे हैं, उनका पुण्यवास दिवस मनाते हैं, माला अर्पण करते हैं, और जो उन्होंने मार्गदर्शन और शासन सत्ता में आपको जो सुख भोगने की जो रास्ते बताए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी का 4 बार शासन रहा है, लोग मेरे पास भी उस समय आते थे कि एक लेटर लिख दीजिए उत्तर प्रदेश में फलाने डीएम और एसडीएम को, सारी पावर आपने छिनवाने काम किया,
और जिन महापुरुषों को महापुरुषों का आप जनन बना रहे हो, बाप महापुरुषों ने ये थोड़ी कहता कि खाली तुम मुझे पढ़ो और आगे ना पढ़ाने काम करो, मेरे नाम से हलवा पूड़ी खाओ और चुप बैठ जाओ। तो आप ये मानते हैं कि जो हमारे समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उन्होंने जिम्मेदारी अब नहीं निभा रही है, इसीलिए बसपा का ग्राफ डाउन पोजीशन पर जा रहा है? इसलिए डाउन जा रहा है, और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आज आगरा के अंदर भाषण देने जा रहे हैं, जो इस लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं, उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। बुद्धिजीवी समाज जो हमारा बैठा हुआ है, जिसको कि बढ़ चढ़ के नहीं है, और वर्कर तैयार करना चाहिए धन के साथ और तन के साथ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाली आलोचनाएं कर रहे हैं कि बसपा तो यहाँ पहुंच गई, बसपा का ग्राफ डाउन हो गया, बहन जी ने तो सरेंडर कर लिया। अरे बहन जी ने सरेंडर नहीं करा, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 403 सीट के ऊपर चुनाव लड़ाया, कोई सीट नहीं छोड़ी, और बाई इलेक्शन जो अभी आजमगढ़ में हुआ 32% बहन जी को वोट पड़ा वहां जी का। तो बहन जी कहाँ बैठी है? बहन जी तो मैदान में, आप बैठे हैं, आप घर में बैठ के खाली आलोचना करते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश नेतृत्व तो हमारा ठीक नहीं है, तो वहां जाइए, जाके अपनी बात तो रखिए कम से कम, तभी तो पता लगेगा कि आप में क्या कमी है, उनमें क्या कमियां हैं। कभी ऐसा समय आएगा कि बसपा का ग्राफ जो भी डाउन में जा रहा है, कभी अप होने की कोशिश करेगा, इसके लिए जिम्मेदार शीर्ष नेतृत्व है, या जो आम कार्यकर्ता है, या पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको समाज को आगे ले जाने का काम करना चाहिए था, वही लोग जब दूसरे के घर में ईंट लगाने का काम करेंगे, तो फिर बसपा का ग्राफ बढ़ेगा कब? आप कैसे सोचते हैं इस बात? देखिए, बसपा का जो जमीनी वर्कर वो काम कर रहा है, वो अपने घर नहीं बैठा है। जैसे मैं आपके बीच में बसपा की बात कहने चला आया, अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, मेरे पास कोई जवाबदेही नहीं है चुनाव के बाद में, फिर भी मैंने 10,000 रुपए की मेंबरशिप काट के दिए, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बसपा की बात को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास धन नहीं है बहुत मोटा, लेकिन वो घर घर जाकर बसपा की बात को कहने का काम भी कर रहे हैं। और मैं तो जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण से जिनको नौकरियां मिली है, मैं उनको दोषी ज्यादा मानता हूँ, ना तो उन्होंने खुद अपना समय दिया था, ना अपना धन वो दे रहे हैं, बल्कि वो तो एक और नया काम करने लग गए कि जी हम तो मानसिक गुलामी को दूर करने के लिए और बाबा साहब के नाम से संगठन चला रहे हैं। जैसे अभी एक सिविक सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पता नहीं कितने लाख रुपए कलेक्शन करके लिया, वहां खाना भी खिलाया गया, 2 दिन कैटर भी चला, भाई उससे क्या मिला? जब आप वोट की बात नहीं करोगे। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।